वालेकुम। आज ये आलमनता शर्मा पथरेटी के बाहर ये जो दीवार है इसके साथ ये एक परमानेंट कूड़ा स्टैंड बन गया हुआ है। ये बहुत पुराना हो चुका है और यहाँ पे कोई जो दुकानदार हैं सामने जो दुकानदार हैं मैं अभी आप जो दिखाता हूँ ये भी जा रहे हैं कंप्लेंट कर करके थके हैं लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। ठीक है जी। और ये सारा देखें आप गार्बेज ये भी इकट्ठा कर रहे हैं ये भी इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये देखें ये वेस्ट से इसको निकाल रहे हैं। ये भजन क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं ये छंटी करेगा ये इसमें छंटी करेगा इसको। अच्छा अच्छा ये आप इनके ये जो है ये रेडी वाले जो है कॉर्पोरेशन से तल्लुक तो नहीं है आपका आपका तल्लुक तो नहीं है कॉर्पोरेशन प्राइवेट ही आपका नहीं। वो बच्चे की तस्वीर बनानी है हमने छोटे की आपकी नहीं बना हाँ नहीं कुछ नहीं होता हाँ जी हाँ जी कुछ नहीं होता हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखे ना इन्होंने ये बेचारे जो गरीब लोग हैं बेचारे इसमें से छंटी कर रहे हैं ये इसमें से कागज़ वेस्टेज वगैरह अलहदा कर देंगे और बाकी ये बैग वगैरह और ये जो डब्बियाँ वगैरह हैं ये सेल हो जाती हैं ये इसको छंटी कर रहे हैं ये रद्दी में बिक जाएंगे। ठीक है ये देखे कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और ये आपके सामने एक बच्चा आया है ये आपने इधर आए आपने क्या निकाला है इसमें से बताओ ना यार हाँ और बताओ ना हाँ दिखाओ ना ये इसको इसको बेचेगा इसको कितने कैसे बेचेगा आप ये वेस्ट से निकाला है हाँ आजा ये पहले महंगा बेचता था अभी सस्ता बेचता है। अच्छा ये देखें जी ये बेचारे बच्चे जो हैं यहाँ से गार्बेज के ट्रक से उन्होंने ये जो है वेस्टेज वगैरह निकाली है इसको वो सेल करते हैं और सेल करके पैसा वगैरह कमा लेते हैं। लेकिन हमारी अवाम आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो यहाँ पे जो ये जो क्योंकि सामने शॉप्स हैं सारा कुछ है और लोग यार बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर तो आप ये जो गार्बेज का सिस्टम है ये जो सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है बहुत ज़्यादा अभी तो ये सफाई हो गई हुई है अगर ये सफाई ना हो तो ये ढेर लगे होते हैं तो इसका कुछ सिस्टम करें इसको बेहतर करें क्योंकि ये इसके सामने देखें सारी मार्केट्स है। ठीक है ये सारी मार्केट है इसके सामने तो इन लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं सारा दिन बदबू में रहना पड़ता है। ठीक है सारा दिन आप बदबू में रहेंगे और ये देखें बच्चा अभी भी वो वेस्ट या अपना रिजेक्ट तलाश कर रहे हैं ये देखें वो बेचारा शॉपर्स में कूड़ा निकाल के फेंकते हैं शॉपर वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं और ये बच्चा कर रहा है काम तो ये गुर्बत का हाल देखें हमारे तो हमारी जो आवाम है इसको ये हमारी जो आवाम भी और दूसरे लोग जो अथॉरिटी हैं उनके बारे में सोचना चाहिए और इन बच्चों को भी प्रॉपर रोज़गार देना चाहिए जो बेचारे इस तरह काम करते हैं सारा दिन और अपनी रोटी का इकट्ठी कर रहे हैं बेचारे वेस्ट के अंदर से गार्बेज के अंदर से ये बड़ा आदमी है। तो और ये बच्चा जो है इससे हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो बच्चे ने बात नहीं हमसे की बहुत ही माशाल्लाह प्यारा बच्चा है। ठीक है अब ये उन्होंने वेस्ट इकट्ठी कर ली है और वो चले गए तो ये भी सारा देखें आप बहुत बुरा हाल है इस समय। ठीक है जी उम्मीद है कि हमारी अथॉरिटीज़ जो है ना इसके बारे में सोचेंगी और ये जो हरमनता शर्मा पथरेटी है इसके साथ जो इसकी जो दीवार है इसके साथ ये जो गार्बेज का एक लाइन लगी हुई है इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो हमारे कारोबारी भाई हैं उनके लिए सुकून हो। तो आपको अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें आपका बहुत शुक्रिया।